देखिए पब्लिक का राय है, जनता ने वोट दिया है, जिसको अच्छा समझा उसको ही वोट दिया है। तो हम लोग का टीएमसी पार्टी का तरफ से 10 कैंडिडेट दिया था, उसमें हम लोग 2 जीत लिया है और 1 में हम लोग का टाई हुआ था। और उसके बाद में जितना भी हम लोग का कैंडिडेट हारा है उसमें मार्जिन बेसी नहीं है, खूब कम मार्जिन से हारा है। तो जो भी हो, हम लोग का तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आने वाला कैंडिडेट तो नहीं था, तभी भी हम लोग 2 सीट हम लोग जीता है, हम लोग अच्छा से जीता है। और मैं जो वोटदाता है सभी को मैं थैंक्स देना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आवर पार्टी एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर नेत्री ममता बनर्जी। और अब पहाड़ में अब जिसका माने जिसका माने संख्या ज़्यादा जीता है उसी को वोट फॉर्म होगा। और ये जो वोट आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि पहाड़ के लिए, ये दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी का लिए उन लोग ने जो जो प्रतिश्रुति दिया है मैनिफेस्टो में, जो जो बोला है वो पूर्ण करने के लिए मैं उन लोग का अनुरोध करती हूँ। नहीं नहीं, एक तो बात क्या है ना, पार्टी करने का सबका अधिकार है, तो ये तो मैंने पब्लिक का राय है ना। लेकिन एक तो बात में मेरे को बहुत दुख लगा कि जिसने ये नेतृत्व करके खड़ा हुआ था, लेकिन वो जो नेतृत्व माने चेयरमैन का फोकस था ना, तो वो हार गया, यही बहुत दुख का बात है। नेचुरली गवर्नमेंट का साथ में तो मिल करके ही काम करना होगा ना, विदाउट फंड का कहाँ से लाएगा, स्टेट से तो फंड लाएगा ना, तो मिल करके करना होगा। हाँ, तो हम लोग का भी 2 कैंडिडेट जीता है हम लोग का पार्टी का, तो हम ना वो बात मैं नहीं करूँगी, वो तो दैट इज़ माने ये हमको बात नहीं करना है, क्योंकि मेरा पार्टी का जो डायरेक्शन होगा मैं वही बात करूँगी।